डोमिनेशन न्यूट्रिशन मतलब एक साल आपको हो गया मतलब हाँ, वो करते हुए actually, वो साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका का वो है तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? एक्चुअली मैंने बॉडी बिल्डिंग की है अराउंड 12-13 साल, जिम कर रहा हूँ 27 साल से। तो एक्चुअली ऐसा है कि सप्लीमेंट तो सब लोग यूज़ करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सप्लीमेंट के बारे में कुछ इतना पता नहीं है। बट द DN द डोमिनेंट न्यूट्रिशन ऐसा एक प्रोडक्ट है साउथ अफ्रीका का, और जो जिसके जो ओनर है डायरेक्टर हैं जॉन्टी रोड्स है, जो इनका प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है। और उसके सारे के सारे प्रोडक्ट जितने मैंने यूज़ किए हैं, मास डोमिनेशन हो, मास न्यूट्रिशन हो, लीन मसल है, हाइड्रोवे प्रोटीन है, डाइट वे है, उसके साथ डिलीशियस वे तो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अम्यूनोटेक है। तो मैंने सोचा कि आज इनका फ्री सैम्पलिंग रखते हैं, जो आज एक साल पूरा हो गया मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी आज जो पूरी हो गई उनके साथ मुझे जुड़े हुए। तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ जो डैड का बर्थडे है और द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ जो DN की है साथ में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा कि लेकिन होगा कि नहीं, बट भगवान की दया से और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो प्यार लोगों का है, जो चीज़ है वो आज सबके साथ जुड़ आई और ये बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। अब सेकेंड ईयर जो मैं शुरू करूँगा इस कंपनी के साथ, सेकेंड थर्ड ईयर कंटिन्यूस इनके साथ मैं जुड़ा रहूँगा। कल मेरा पुणे में एशियन बॉडी बिल्डिंग जो फिटनेस कॉम्पिटिशन है उसमें मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, तो कल सुबह मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ और वहाँ पे लोगों को बताऊँगा इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट्स के बारे में, सब उनके बारे में। और जहाँ तक देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और बहुत ही खुशी हो रही है इस कंपनी के साथ काम करने के लिए। आपकी मूवी आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कितने एक्साइटेड है और कितना खुशी हो रही है क्या? इतना मतलब बहुत एक्साइटेड इस मूवी के बारे में। जैसे मैंने काम किया इस फिल्म में अराउंड 100 डेज, तो लाइट फॉर्म काम किया इस मूवी में मैंने, काफ़ी बड़ा रोल है फिल्म में स्टार्ट से लेके एंड तक। जो हमने 3 साल से इस फिल्म के लिए हमने काम किया अराउंड माल्टा में, जैसे इटली, थाईलैंड, जोधपुर, मुंबई, जैसे फिल्म सिटी में हमने बहुत सारे दिन यहाँ पे शूट किए हैं और बहुत ही काम करने में इतना मज़ा है कि इसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन है, जो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, दुनिया उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। उनके साथ मुझे काम करने में इतना मज़ा है कि बहुत कुछ सीखने मिला एज एक्टिंग लेवल पे, एज एक्टिंग स्कूल लेवल पे लगा कि इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। जैसे देन मिस्टर आमिर खान इस फिल्म में है, उनके साथ हमने इतना अच्छा वक्त बिताया है, अच्छी एक्टिंग की, अच्छे सीन्स हमने सीन किए हैं, स्क्रीन शेयर किए इनके साथ, तो बहुत ही मज़ा आया। बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर। फातिमा है, कैटरीना कैफ है इस फिल्म में, जॉनी थ्रो है, जीशांत है, तो बहुत ही हर मोमेंट्स, हर सीन, हर शॉट्स हमने बहुत एंजॉय, अच्छे से एंजॉय किए हैं। 8 नवंबर को इस फिल्म की रिलीज़ है और ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन इतना एक एक वीक तरह स्लो बढ़ रहा है कि कब वो दिन आए और हम लोग कब अपने आप को स्क्रीन पर ये फिल्म देखें। जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ अब तक 53 करोड़ उसके व्यूअर्स बने, तो अनबिलीवेबल है हर चीज़। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है रंग ला रही है और इसका फल जरूर मिलेगा। और उसका एक डायलॉग तो बनता है, आपका रोल क्या? फिल्म का डायलॉग मेरा तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन जो डायलॉग अमित जी ने जो डायलॉग डिलीवर की है वो तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही बेहतरीन है कि आज़ादी है गुनाह तो कबूल है सजा, अब तो होगा वही जो होगा मंजूर है खुदा। तो वो ये खुदा जो है वो इतना प्यारा है और हम सब की सारी के सारी विशेष पूरी करता है। इंसान बहुत बड़ा इम्पेशेंट है, कहीं ना कहीं ये बहुत हमेशा अनसेटिस्फाई रहता है खुदा से, लेकिन खुदा हमें वही चीज़ देता है जो हमें चीज़ वो ज़रूरत होती है। हम सोचते हैं कि यार वो चीज़ उसे मिली, हमें क्यों नहीं मिली, तो वो चीज़ उसके लिए थी, ये चीज़ मेरे लिए थी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें खुदा से हमेशा खुश रहना चाहिए। और ताल्लुकात हैं अगर इस फिल्म के बारे में तो बहुत ही एक्साइटेड है, और मैं नहीं तो पूरी की पूरी जनता, जो पूरी की पूरी इंडिया है, वर्ल्ड है, वेटिंग फॉर द थग्स ऑफ हिंदुस्तान। आपका रोल क्या मतलब फिल्म में? मैं इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उनके गिरोह में हूँ और ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊँगा फिल्म के बारे में, क्योंकि अगर मैं बोल पाऊँगा तो आप फिल्म देखने में मज़ा नहीं, एंजॉय नहीं करोगे। लेकिन बहुत अच्छा रोल है पूरा फिल्म में, काफ़ी कारा मैंने फाइट सीक्वेंस में प्ले किया है अमित जी के साथ और बहुत हद तक इतना एंजॉय किया है कि लोग इसे देख के एंजॉय करेंगे। इसमें आमिर खान का जो एंट्री है और उसका डायलॉग है काफ़ी लोगों को भाया है। ये ट्रेलर में देखने मिला, कैसा लगा? एक्चुअली क्या, आमिर खान ने जितने भी रोल प्ले स्टार्ट से लेके अब तक प्ले किए हैं वो बहुत ही हमेशा अलग अलग किस्म के प्ले किए, जैसे PK का हो या 3 Idiots का हो या तो फिर लास्ट दंगल में जो उसने बॉडी जो चेंजेस उसने दिखाई है, स्टार्टिंग में उसको पतली दिखाई है, फिर उसने मोटापा दिखाया,
और उसने जो मेहनत की है वो मेहनत देखिए ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए, हम बहुत पीछे हैं इस लेवल पे, तो उससे उसे देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है और हम उसी तरह से काम करना शुरू करते हैं। तो उनका रोल इसमें बहुत हद तक अलग है और मतलब कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सा कॉमिक लेवल पे कि सीरियस लेवल पे बहुत ही अलग किस्म का रोल है, लेकिन देखोगे तो काफ़ी एंजॉय जरूर होगी। तो पोस्टर पे मतलब आपका मतलब पोस्टर पे आ रहा है कि भीमा नीचे वो लिखे, तो उसका मतलब क्या ताल्लुक है उसके? इस फिल्म में नाम है मेरा भीमा, तो और मेरे हाथ में दिया है खदा फाइट करने के लिए, तो मैंने काफ़ी सारा फाइट उसके साथ किया है और बहुत मजा आया फाइट करने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सूर्यपुत्र करण मैंने एक शो किया था सोनी टीवी पे स्वास्तिक का, उसमें मैंने ऐसा भीम कैरेक्टर प्ले किया था, तो मेरे हाथ में गदा थी। जैसे मुझे पूछा गया कि आप गदा के साथ फाइट करोगे कि नहीं, तो मैंने बोला मैंने लास्ट 1.5 साल जो है मैंने गदा के साथ ही फाइट की है, तो बस फाइट करनी थी और बहुत एंजॉय किया। बाहुबली के फाइट मास्टर थे उसमें और उन्होंने भी काफ़ी हद तक मुझे जो फाइट्स दी है मैंने अच्छे से की और बस अब लोगों के पास से मुझे वो रिपोर्ट चाहिए कि यार मैंने कितना अच्छा किया। जर्नी कैसी रही मतलब आपकी, मतलब पूरे मूवी शूटिंग में और मतलब कैसा एक्सपीरियंस? जितने मैंने अभी तक के काम किए हैं उससे बहुत अलग किस्म की फिल्म है थग्स हिंदुस्तान, जिंदगी भर याद तो रहेगी, मुझे मेरा काम याद रहेगा और कहीं ना कहीं करियर के लिए लिफ्ट कराने का काम है, किक करने का काम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस वेटिंग फॉर द थग्स हिंदुस्तान रिलीज का वेट कर रहा हूँ और उसके आगे जितने भी दिन मेरे आने वाले हैं वो बहुत ब्राइट फ्यूचर के होंगे, बस वही वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम मिला चौधरी और केतन और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, अभी साथ से हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, बहुत ही सादा सिंपल मेरे दोस्तों और बहुत बहुत मेहनत किया डोमिनेटर न्यूट्रिएशन से। मतलब केतन सर मतलब आपके दोस्त एक साल से मतलब जॉइंट हो चुके हैं, मतलब जॉइंट होके तो उनके एक साल होगा, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? उसके बारे में तो बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मैं बहुत गर्व करता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं, मतलब मैं 20 साल से उनको जानता हूँ और मैं खुद देखा हूँ उनको मेहनत करते हैं। बॉडी बिल्डर एक थे वहाँ से यहाँ तक एक्ट्रेस करके सेलिब्रिटी करके आज तक ये लेवल पे पहुँचे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं ऐसा शुभकामना करता हूँ कि बहुत तरक्की करे मेरा दोस्त, बहुत आगे बढ़े और उसका एक मूवी आ रहा है अभी, बहुत सारी मूवी की और थग्स ऑफ हिंदुस्तान इतना बड़ा मूवी आ रहा है और उन्होंने अमिताभ बच्चन आमिर खान ये बहुत बड़े एक्ट्रेस लोगों के साथ काम किया, मेरे बस इतनी शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़े मेरा दोस्त, बहुत तरक्की। डोमिनेटर न्यूट्रिशन के बारे में क्या बोलना, मतलब सर को केतन सर को एक साल हो गया जॉइन होते हुए, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? एक्चुअली डोमिनेटर न्यूट्रिशन जो ब्रांड एम्बेसडर है केतन सर, इट इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड इंडिया के लिए आई थिंक दैट्स ग्रेट, जॉन्टी रोड्स हुआ हु इज एन आइडल फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो उनके हिसाब से केतन सर इज लाइक पैरेलली गुड, अच्छा है वो, होपफुली इयर्स तक ये एसोसिएशन चले। थग्स ऑफ हिंदुस्तान उसके बारे में क्या है? दैट इज गोना बी द मैसिव मूवी ऑफ ऑल टाइम, आई हर्ड समवेयर कि 700 करोड़ तो मिनिमम टारगेट है आमिर खान प्रोडक्शन की, एंड आई थिंक दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ये मूवी तो सुपर हिट रही एंड इनफैक्ट केतन सर भी है तो बहुत बढ़िया होगी। जिम के बारे में क्या कहना, मतलब केतन सर के जिम के बारे में? इट्स अ गुड प्लेस, बहुत इक्विपमेंट्स बहुत रेलिवेंट है एंड स्पेस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। थैंक यू।